जिला पंचायत अध्यक्ष पति ने फीता काटकर भंडारे का किया शुभारंभ। शिव भक्त कांवड़ियों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने बरसाए फूल। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे मिनकरा मोड़ पर मुंडा पांडे ग्राम प्रधान पति शिव कुमार उर्फ राघव और अन्य मुस्लिम समाज के ग्राम प्रधानों द्वारा शिव भक्त कांवड़ियों के लिए सावन के चौथे और अंतिम शनिवार के दिन एक भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हरिद्वार से कांवड़ में गंगाजल लेकर नेशनल हाईवे 24 से गुजरने वाले शिव भक्तों को भंडारे में खानपान की सुविधा के साथ मेडिकल से संबंधित सभी सुविधाएं दी गईं। भंडारे का फीता काटकर शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष मुरादाबाद डॉक्टर शेफाली सिंह के पति डॉक्टर ब्रजेश चौहान द्वारा किया गया, तो वहीं पर मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए कांवड़ियों के ऊपर पुष्प बरसाकर कांवड़ियों का स्वागत किया। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग मुंडा पांडे मिनकरा मोड़ पर मौजूद थे। नेशनल हाईवे से गुजरने वाले सभी कांवड़ियों के ऊपर पुष्प बरसाकर स्वागत किया गया। भंडारे में ग्राम प्रधान चमरौर डॉक्टर रिजवान, दौलारी ग्राम प्रधान अख्तर अली, जुल्फिकार याकूब अली, अक्रम अली, फिरोज आलम, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक, सुनेपाल सिंह, ब्रहमपाल सिंह आदि मौजूद रहे। भगवान कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, ना इसे बंटवारा कर सकते हैं हम वो अलग बात है, हम किस नाम से पुकार रहे हैं, लेकिन सब एक है, एक दादा की औलाद है, हम सब हिंदू मुसलमान एक हैं और आज से नहीं पहले से देते आए। और ये जो भी इन लोगों ने यहाँ मुंडा पांडे वालों ने, प्रधान जी ने, इन्होंने सब में जो करा है बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इनका खाने का पीने की फुल व्यवस्था है, आपकी डॉक्टरी से लेकर बिस्तर से लेकर मतलब हर सुविधा इनके पास है। और बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, मैं भी काफ़ी देर हो गई, और ये सब लोगों की सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छा। मैं तो ये कहूँगा कि और इस तरह से कि हिंदू मुस्लिम सारे एक साथ, ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ ये देखने को मिली है और मेरा आत्मा बहुत प्रसन्न हुई है। देखिए त्यौहार या भगवान या कोई चीज़ किसी की कुछ नहीं, सबका सबका सम्मान। मुझे अवसर प्रदान करा है कि यहाँ नेशनल हाईवे मुंडा पांडे में जो इतना भव्य स्वागत, इतना भव्य आयोजन है, जिसमें मुझे उपस्थिति होने का मौका प्राप्त हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और यहाँ मैं देख रहा हूँ सभी तरह के लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ पे हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, बढ़ चढ़ के सब ने हिस्सा लिया है। इतनी तेज़ गर्मी होने के बाद भी सब लोग यहाँ हैं, मैं इसके लिए ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना बढ़िया जगह मुझे आज सब लोगों ने मान सम्मान दिया है, अच्छा लग रहा है। कितने दिन तक कांवड़ यात्रा चलेगी साहब, और कितने दिन तक यहाँ कैंप का आयोजन कांवड़ियों के लिए उपस्थित किया गया? कल संभवतः कल शाम तक 7-8 बजे तक यहाँ पे ये व्यवस्था लागू, सुचारू रूप से लागू रहेगी, क्योंकि परसों आखिरी सोमवार है, जो जल चढ़ाने का जहाँ जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, जिस जगह से भी, जिस स्टेटों से भी लोग आ रहे हैं, वो सब लोग अपने अपने घर परसों सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कल शाम तक यहाँ पे भी सब लोग मौजूद रहेंगे, सब लोग हैं, और परसों सुबह सब अपने अपने भक्त जितने भी आ रहे हैं भोले हमारे, वो सब अपने अपने घर पहुँच। प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था है? प्रशासन की तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्था है, इससे अच्छी व्यवस्था हमने कभी अपने होश में नहीं देखी, पहले भी सब रही हैं सरकारें, लेकिन इस बार 2 साल के बाद ये व्यवस्था, एक तो वैसे कोविड टाइम में 2 साल तक सब बंद रहा था, और अब जो हो रहा है, जिस तरीके से पुष्प वर्षा हो रही है, जिस तरीके से पुलिस के इंतजाम है, तारीफ़ काबिल के, सब जगह पुलिस हाईवे पे खड़ी हुई है और इतने बढ़िया से दिन रात मेहनत कर रही है हमारी पुलिस को, बहुत बहुत इस चीज़ का पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस सब लगी हुई है। भोजन जलपाल, मैं ग्राम प्रधान मुंडा पांडे, और 4th सोमवार है, और जो भी हमारे भोले भक्त लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, उनको हमारे यहाँ ठहरने की और उनको भोजन प्रस्थान कराने की उचित पूरी व्यवस्था करी गई है। और हमारे अतिथिगण जिला अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली जी, और हमारे 20 पधारने वाले हैं, और अतिथि में हमारे डॉक्टर राकेश चौहान जी जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन की पूरी मदद के सहयोग के साथ जो भी हमारे रोड पे कांवर यात्रा चल रही है, पूरा सहयोग है उनकी तरफ से, और अच्छी तरीके से उनकी सेवा भाव में, भक्ति में सब लोग लीन। 14 सोमवार चल रहा है, कितने दिन तक कांवर यात्रा चलने वाली है ये? अब ये लास्ट सोमवार है,
दो दिन और यात्रा रहेगी। परसों जो भी हमारे भक्त चल रहे हैं, परसों सोमवार को दिन जो भी है लास्ट सोमवार तक अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, वहां जल चढ़ाएंगे। कहां से कहां तक जल लेकर आ रहे हैं, कहां से कहां तक स्थान ग्रहण कर रहे हो, किस तरह से स्वागत किया कांवड़ियों का आज? ये हरिद्वार से चल के और कुछ हमारे ब्रजघाट से चल के हमारे जो भोले यात्रा जो भी पैदल यात्रा में चल रहे हैं और उनका जो है स्वागत समारोह फूल वर्षा के, जो कि हमारी सरकार द्वारा फूलों का पहले से ही बौछार है पहले दिन से, इस बार जो है नया तरीके से जो है, और हमारे जितने भी भाई लोग हैं सभी लोग जो है, ये हमारा मनकरा मोड़ मुंडा पांडे स्थान है। जो सुविधाएं हैं यहाँ पे हमारे यहाँ ठहरने की, बैठने की, आराम करने की, और जो भी है भक्तों के लिए उचित व्यवस्थाएं की गई है। मेडिकल की सेवाएं वगैरह सब हैं। मेडिकल को लेकर पूरी व्यवस्था है, कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बाकी सारे हमारी जितने भी भक्त हैं सब अपने लीन हैं और सेवा भाव से अच्छा उनका स्वागत किया गया है।